अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर 8 सियाहत और तारीख जो है हिस्ट्री का वो देखने वाले हैं। चैप्टर 1 to 7 के सारे वीडियोस जो है मैंने एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स दोनों भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी जो है आप लोग आई बटन पर जाकर ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि सियाहत होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो किसी खास मकसद के तहत किसी दूर दराज के मकाम की सैर के लिए इख्तियार किए गए सफ़र को सियाहत कहते हैं। कोई भी खास मकसद, अभी मकसद कुछ भी हो सकता है, हमारी डे टू डे लाइफ से जो है थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, हमारे वेकेशंस के लिए, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए, कोई रिलीजियस सफ़र के लिए, कोई मज़हबी हो या तारीखी चीज़, कोई मुताले के लिए, कोई भी जो है मकसद हो सकता है यहाँ पर जो हम आगे देखेंगे। तो किसी भी खास मकसद के तहत किसी मकाम की सैर के लिए जाना, किसी भी जगह को विज़िट करना, जो उसके लिए जो सफ़र इख्तियार किया जाता है उसको सियाहत कहते हैं, टूरिज़्म कहते हैं, टूरिस्ट कहते हैं। सो सियाहत की रिवायत देखेंगे, नहीं ये कहाँ से चली आ रही है। तो सियाहत जो है वो अपने मुल्क की बात करें तो सियाहत जो है वो बहुत ही कदीम ज़माने से मौजूद है, क्योंकि लोग जो है पहले तिजारती सफ़र करते थे, उसूल इल्म के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र, मेलों की सैर करते थे, मज़हबी मकामात की सैर करते थे। मतलब कदीम ज़माने से जो है इंसान को सफ़र करना पसंद था, उसूल इल्म के लिए यानी इल्म हासिल करने के लिए जो है हम जानते हैं दूर दराज के इलाकों का सफ़र किया जाता था। तलबा जो है शहर मतलब देश के एक कोने से दूसरे कोने में, आज भी हम अगर देखेंगे तो इल्म हासिल करने के लिए जो है लोग सफ़र इख्तियार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर से जो है हायर स्टडीज़ के लिए लोग अमेरिका वगैरह जाते हैं। तो हुसूल इल्म यानी इल्म हासिल करने के लिए पहले ही ज़माने से जो है सफ़र का ये जो चलन है वो चला आ रहा है। तिजारती सफ़र अभी जो है ये कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स के नाम पर हो गई है। पहले तिजारती सफ़र इस तरह होता था कि लोग अपना जो है सारा साजो सामान जो उन्हें फ़रोख करना होता था बाज़ारों में, वो सब कुछ जो है बांध कर और जो है जो इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, उस तरफ जो है सफ़र करते थे, या जहाँ पर जो है तिजारत उसके अच्छे दाम मिल सकते उस तरफ सफ़र करते थे। मेलों की सैर तो हम जानते ही हैं कि कुछ मेले जो है वो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, जो कई सालों में एक बार होते हैं। तो ऐसे मेलों की सैर या जो है अलग अलग कदीम ज़माने में जो अलग अलग गांव में, छोटे छोटे गांव में जो है अलग अलग किस्म के मेले लगते थे, तो लोग जो है आसपास के गांव वाले भी जो है उस तरफ जो है सफ़र करते थे। और मज़हबी मकामात की सैर तो हम जानते हैं, चाहे वो हज हो या कोई तीर्थ यात्रा हो, बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोग मज़हबी मकामात की सैर के लिए रवाना होते हैं, तो वो भी जो है सियाहत में ही काउंट होगा। अब है क्या आप जानते हैं बुद्ध अदब में जो बुद्धिज़्म है उसमें मजकूर है, यानी जिक्र किया गया है कि ख़ुद गौतम बुद्ध ने अवाम की इसलाह के लिए यानी अवाम को बेदार करने के लिए बहुत से शहरों का सफ़र किया। बुद्ध भिक्षुओं के लिए मुसलसल सफ़र करते रहना ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो लोग जो है, आप जैन मुनि और साधु भी जो है अलग अलग शहरों में जो है, आप लोगों ने अपने आसपास भी कभी अगर देखा हो तो अलग अलग शहरों में जो है वो लोग घूमते हैं, सफ़र करते हैं और वहाँ पर जो है लोगों में बेदारी पैदा करने का काम अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या आप जानते हैं, मैं एक दिया है 630 में एक चीनी सियाह था, एक चाइनीज़ टूरिस्ट था जिसका नाम था ह्यून सॉन्ग। वो जो है चीन से भारत आए थे, यहाँ पे आप जो है मैप भी देख सकते हैं उनका जो उन्होंने बनाए थे, और इनकी जो लिखे गए सफ़रनामे हैं उनसे भारत की जो तारीख है उस पर जो है वो एक अहम तारीखी माखज़ है। अहद वस्ता के दौर में भी जो है गुरु नानक, एकनाथ, नामदेव, संत रामदास जैसे संत जो है वो मुल्क भर में सफ़र करते थे। मैंने भी बताया जैसे जो संत है और बुद्ध भिक्खु वगैरह जो है वो लोग पूरे भारत का सफ़र करते थे, और जहाँ भी वो लोग जाते थे वहाँ पर जो है अवामी बेदारी और तालीम देने का काम जो है वो अंजाम देते थे। अब यहाँ पर आपको क्या आप जानते हैं, मैं जो है बहुत सारे अलग अलग टूरिस्ट के बारे में बताया गया है, जो आप लोग जो है एक बार रीड तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले है बेंजामिन डिडेला, ये दुनिया के पहले दरियाफ्त कुनिंदा यूरोपीय सियाह के तौर पर मशहूर है। दुनिया के पहले दरियाफ्त कुनिंदा यानी जो है पहली बार जो है यूरोप के जो टूरिस्ट है उनमें सबसे पहले जो है ये है। इनका जन्म स्पेन में हुआ था 1159 से 1173 के दरमियान, 1159 to 1173 के दरमियान उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, शाम, अरब, मिस्र, इराक, ईरान, भारत और चीन के सफ़र किए। मतलब इन्होंने कुछ 14 सालों में अराउंड 11 कंट्रीज़ का सफ़र किया, और उन्होंने जो अपने ये सारे सफ़र के जो तजुर्बात थे उसको रोज़नामचे की शक्ल में यानी डायरी की शक्ल में जो है कलम बंद किए। रोज़नामचे यानी रोज़ रोज़ लिखने वाले, ये जो इनका ये डायरी है, जो रोज़नामचा है, ये तारीख का जो है एक अहम
दस्तावेज है। यहाँ पर आप जो है नीचे उनका मैप भी देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने सफर इख्तियार किया। नेक्स्ट हमारे टूरिस्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो 13वीं सदी ईस्वी में जो है एक मशहूर इतालवी से इतालवी एंड इटालियन सिया ने बर्रम एशिया खसूस चीन को दुनिया से मुतारफ़ करवाया। वो 17 साल जो है वो चीन में रहे। यहाँ भी आप उनका मैप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने जो है पूरा सफ़र इख्तियार किया। तो वो 17 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के चीन में बिताए, तो उसकी वजह से जो है उन्हें एशिया की तबई साग समाजी ज़िंदगी अदबी व तहजीबी ज़िंदगी और तजारत इन सब के बारे में जो है उन्होंने बहुत ही बारीक बीनी से हर जगह जो है मुशाहिदा किया और अपनी लिखी उन्होंने वो उन सारी चीज़ों के बारे में। और दुनिया को जो है इन चीज़ों का इल्म जो है इनके ज़रिए मतलब हुआ। उसी से जो है यूरोप और एशिया के माबेन जो है नहीं यूरोप और एशिया के बीच में जो है ताल्लुकात और तिजारत का आगाज़ हुआ। नेक्स्ट है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो है इस्लामी दुनिया के तवील तरीन सफ़र करने वाले 14वीं सदी के ईस्वी के मशहूर सिया यानी ये जो है इस्लामी दुनिया का मतलब लॉन्गेस्ट वोयाज था इनका। इन्होंने जो है अलग अलग इस्लामी ज़मीनों का मुताला किया, जैसे जो पूरा मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ पर जो है ये अलग 30 बरसों तक घूमते रहे। और मतलब घूमते रहे मतलब ऐसा नहीं, इन्होंने सियाहत इख्तियार की बाकी और इनका एक ही अज़्म था यानी एक ही जो है मेन एम था कि एक ही रास्ते से वो दोबारा सफ़र ना करें, यानी वो जो है जिस हद तक हो सके उस हद तक जो है वो ये कोशिश करते थे कि मैं एक ही रास्ते से जो है दोबारा ना घुसूँ। यहाँ आप उनका मैप भी अगर देखेंगे तो काफ़ी लंबे लंबे जो है इन्होंने रास्ते भी अपनाए और लंबे लंबे सफ़र इख्तियार किए। आप लोग अगर मैप देखें तो ऐद वस्ता की तारीख और समाजी ज़िंदगी समझने के लिए इब्ने बतूता के जो ये सफ़रनामे लिखे हुए हैं इन जगह को जब वो विज़िट करते थे तो उस बारे में जो है वो लिखते थे। तो ये जो सफ़रनामा है ये जो है काफ़ी कारामद है तारीख में। नेक्स्ट है गेरहर्ड मर्केटर। 16वीं सदी ईस्वी में दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब बनाने वाले पहले नक्शा नवीस के तौर पर मर्केटर को शोहरत हासिल है। इसकी वजह से यूरोप की तहकीकाती मुहिमें जो है तेज़गाम हुई। ये जो शख्स है इन्होंने सबसे पहले दुनिया का नक्शा बनाया और ज़मीन का ग्लोब बनाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी फ़र्स्ट ग्लोब जो इन्होंने बनाया था उसकी तस्वीर दी गई है। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी मशहूर है दुनिया का सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले शख्स के तौर पर। और इनके जो ये इन्होंने जब ये बना लिया उसके बाद जो है यूरोप की जो तहकीकाती मुहिम थी वो जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई, तो उसने जो है स्पीड पकड़ ली। नेक्स्ट है थॉमस कुक। 19वीं सदी ईस्वी के निसफ आखिर में थॉमस कुक ने 600 लोगों पर मुश्तमिल जमान कि लेस्टर से लॉफब्रो तक रेलवे सैर का एहतमाम किया। ये दोनों जो है वो इंग्लैंड के दो मशहूर शहर है। तो इन्होंने जो है 600 लोगों की टीम जमा की और इन्होंने जो है एक तरह की जो है टूरिस्ट एजेंसी डाली और जो है लेस्टर से लॉफब्रो तक जो है इन्होंने एक ट्रेन के ज़रिए एक सफ़र का जो है अरेंज करवाया। उन्होंने पूरे यूरोप की आलिशान दायरवी सैर का कामयाब तरीके से इनाकाद किया। दायरवी सैर ने एक जगह से शुरू करके पूरा जो है यूरोप घूम के वापस जो उसी जगह आना, तो इन्होंने जो है एक कामयाब टूरिस्ट एजेंसी की बुनियाद डाली। और वहीं से अभी भी आप जगह देखेंगे थॉमस कुक एंड सन नाम से जो है इनकी एजेंसी चलती है। कुक ने ही सियाहत की जो टिकटें हैं वो बेचने की एजेंसी का कारोबार शुरू किया, यानी एक्चुअली जो टूर एंड ट्रैवल्स जो एजेंसीज होती है वहाँ पर जो है इन्होंने शुरुआत की और यहीं से जो है जदीद सियाहत के दौर का आगाज़ हुआ। अब है क्या आप जानते हैं मजहबी सियाहत के लिए मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल सफ़र करने की रिवायत भारत में पहले से ही मौजूद है। हम जो है कई बार न्यूज़ वगैरह में देखते हैं अपने आसपास देखते हैं ये जो है भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है कि लोग जो है तीर्थ यात्रा वगैरह पर निकलते हैं पद यात्रा पर निकलते हैं महाराष्ट्र से शुमाल की सिमत अयोध्या तक और वहाँ से दोबारा महाराष्ट्र तक के सफ़र का बयान विष्णु भट्ट गोडसे ने कलमबंद किया। विष्णु भट्ट गोडसे जो है इंडियन राइटर थे और जो मराठी में काफ़ी फेमस है और मराठी में लिखा करते थे और इनका जो सफ़रनामा है माझा प्रवास वो उनकी वजह से जो है ये काफ़ी मशहूर है। तो इन्होंने जो है महाराष्ट्र से अयोध्या तक एक सफ़र किया था, जो महाराष्ट्र से अयोध्या और वापस दोबारा महाराष्ट्र तक आने का जो ये सफ़र था इन्होंने जो है लिखा और इसका नाम रखा मेरा सफ़र यानी मराठी में माझा प्रवास। इस किताब की खसूसियत ये थी कि विष्णु भट्ट ने यह सफ़र 1857 की जंग आज़ादी के दौरान किया था।
अब जबकि जो है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश यानी अयोध्या में जब सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी, जो 1857 की बगावत है उस दौर की बात है, तो जब भी मतलब जब वो सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में और जो है जगह जगह पर जो है इसके काफ़ी सारे वाकयात देखे, तो वो जो है उस जंग के मुतालिक जो है सारी बातों के वो खुद ही गवाह थे, उन्होंने उसके मुतालिक जो है लिखा भी। और इसकी वजह से जंग और खुसूसन जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी ज़िंदगी के मुतालिक से जो है इनको मतलब इन्होंने उनके बारे में जो है काफ़ी चीज़ें तहरीर की जिसके मुतालिक जो है लोगों को काफ़ी तफसीलात जो है मालूम हुई। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी उनके मुतालिक जो है इन्होंने लिखा, इससे पहले भी आपकी टेक्स्ट बुक में क्या आप जानते का एक बॉक्स आया था जिसमें जो है इनके मुतालिक लिखा गया था। इतना ही नहीं बल्कि हमें 18वीं सदी ईस्वी की मराठी ज़बान की नौईयत का भी इनसे इल्म होता है, क्योंकि जो है मराठी के मशहूर जो है राइटर रहे हैं, तो इनकी जो उस वक्त उस ज़माने में किस तरह जो है लैंग्वेज थी मराठी वो उसके मुतालिक भी जो है इनकी किताब से मालूम होता है। तो ओवरऑल जो है ये एक अहम तारीखी माखज़ है इनकी किताब माझा प्रवास। अब है सियाहत की तरगीबात में शामिल, यानी कौन सी चीज़ जो है वो सियाहत को फ़रोग देती है। मोस्टली जो है कुदरती नज़ारों से मालामाल मकामात, कदीम फ़नकाराना मसनूआत के मजाकिज या तारीखी शोहरत याफ्ता मकामात, मुल्की व गैर मुल्की कदीम इमारतें, सनदी मकामात का जायज़ा लेना या मजहबी मकामात। तो मोस्टली जो इन कॉमन या इन जर्नल अगर देखें हम तो हम सियाहत इन्हीं जगहों पर जाना पसंद करते हैं जो कुदरती नज़ारों से जो है जो जोग्राफिकली रिच हो, यानी कुदरती नज़ारे हो बहुत खूबसूरत जो है वहाँ पर नज़ारे, और उसके अलावा जो है वहाँ की आबो हवा जो है नॉर्मल हो, ने एक खुशगवार मौसम हो जहाँ का, या फिर जो है कहीं पर अगर कदीम फ़नकाराना मसनूआत के मराकज़ है यानी म्यूज़ियम्स हो गए कुछ जगह पर, या कुछ आर्ट म्यूज़ियम्स या इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर कोई जो है शहर है वो तारीखी शोहरत रखता है, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का हर स्टेट ही अपनी एक मुख्तलिफ तारीख रखता है, तो ऐसे तारीखी शहर याफ्ता मकाम हैं, मुल्की व गैर मुल्की कदीम इमारतें हैं, और सनती मकाम जो है जो आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली स्कूल के बच्चे जो है वो अलग अलग छोटे छोटे कारखाने इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो है विज़िट करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें, या कोई मजहबी मकाम हो, तो इन इन चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें जो है सियाहत को ज़्यादा फ़रोग देती है। कुदरती और मसनू चीज़ों की दिलकशी और अज़मत का अज़खुद मुशाहदा करने की ख्वाहिश दुनिया भर के सियाहों को होती है। हम जानते हैं इंडिया की बात करें या जो है फॉरेनर्स की बात करें, नेचर को विज़िट करना और नेचर की जो राज है उन्हें जानने की जो एक एक चाह होती है इंसान के अंदर, कि ये जो है नेचर में आप अगर आप किसी भी ऐसी जगह जाएंगे जो कुदरती चीज़ों से घिरी हुई है और बहुत ही ज़्यादा जो है पुरसुकून और खुशगवार है, तो आप जो है वहाँ पर जाकर एक एक अलग सा जो है सुकून आप महसूस करेंगे, और नॉर्मली अच्छा लगता है लोगों को जो है अपनी डे टू डे लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर जो है ऐसी जगहों पर जाना। इसकी वजह से जो है बर्फ़ानी चोटियाँ जो है समुंदरी साहिल घने जंगलात जैसे मखदूश इलाके भी जो है सियाहत में शामिल हो गए हैं। आप लोगों ने डिस्कवरी और अलग अलग जो है चैनल वगैरह पर भी देखा होगा कि लोग जो है ऐसे ऐसे इलाकों में सफ़र करते हैं जहाँ दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो वो जो इंसान की चाहत है कि हम जो है कुदरत के राज को अफशा करें या कुदरत को और अंदर और डिटेल में जाने, वही वजह है कि जो बर्फ़ानी चोटियां हैं ऊंची ऊंची और जो समुंदरी साहिल है और जो छोटे से जो आइलैंड्स हैं जो जहाँ पर लोग इतनी आबादी नहीं है और जो घने जंगलात हैं, ऐसी जगह पे भी जो है अब जो है सियाहत आम होती जा रही है। इन पर जो है समय व बसरी तशहीरी ज़राए अब्लाग की मदद से प्रोग्राम भी तैयार होने लगे। मैंने अभी आपको जैसे बताया जो है अलग अलग चैनल्स पर, जैसे बहुत ही फेमस है बियर ग्रिल्स का मैन वर्सेस वाइल्ड, तो इसी तरह के जो है जो ऐसे सफ़र इख्तियार गिर जाते हैं मुश्किल सफ़र, उन पर जो है समय व बसरी माखज़, समय व बसरी माखज़ मैंने आपको बताई थी जो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, मोस्टली टेलीविज़न का शुमार इसमें होता है, तो उसके ज़रिए जो है इस पर जो है प्रोग्राम अलग अलग तैयार किए जाते हैं, और ये जो प्रोग्राम होते हैं ये जो एक तरह से सफ़रनामे होते हैं, दस्तावेज़ फिल्में जो है हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक, ऐसे सारे चैनल्स पर जो है हम लोग देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखते भी होंगे, अच्छा रहता है देखना चाहिए। अब जो है हम सियाहत की किस्में देखते हैं, तो सियाहत की किस्में अगर इलाके के हिसाब से देखें तो रियासती होती है और बैनुल अक्वामी होती है, यानी इंटरस्टेट और इंटरस्टेट मतलब नेशनल और इंटरनेशनल, और अगर मकसद के हिसाब से देखें तो मजहबी, तिब्बी, खेल, इत्तेफाकी, ज़रई, तारीखी, जुग्राफियाई, ऐसे अलग अलग होती है जो हम आगे डिटेल में देखेंगे।
सबसे पहले लोकल टूरिज्म एंड इंटर स्टेट टूरिज्म, यानी मकामी लोकल जो हम अपने आसपास घूमते हैं वो, या इंटर स्टेट यानी बैन रियासत, यानी एक दूसरे की स्टेट्स में। तो ये सफ़र के मुतालिक हम जानते हैं, सफ़र बहुत आसान होता है क्योंकि अगर हम अपनी ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में घूम रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा? पहले तो ज़बान, क्योंकि जो है नेशनल लैंग्वेज है हर स्टेट में जो है, अगर आप उस स्टेट की लैंग्वेज ना जाने तो भी आप हिंदी या इंग्लिश जो है यूज़ कर सकते हैं। वहाँ के रिवाजात जो है वो हम उससे बखूबी वाकिफ़ है, और दस्तावेज़ी खाना पूरी वगैरह की ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती। यानी अगर आप फॉरेन कोई फॉरेन कंट्री में विज़िट कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट, वीज़ा और भी सारी जो है फॉर्म्स एंड डिटेल्स भरनी होती है, बट अगर आप अपनी ही स्टेट में कर रहे हैं सफ़र तो इन सारी चीज़ों से जो है हम बच जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि हम अपनी सहूलत से इसकी मनसूबाबंदी कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि हमें अपने लोकल में घूमना है, अपने ही कंट्री में घूमना है, तो हमको जो है उतनी टेंशन नहीं होती है कि टिकट फाइनल होगा या नहीं, वीज़ा मिलेगा या नहीं, इस तरह से। तो ये जो है हम अपने आप को अपने शेड्यूल के हिसाब से जो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल टूरिज़्म देखेंगे तो आबी जहाज़, हवाई जहाज़ और रेलवे, जब से जो है इन चीज़ों को इनमें जो है तरक्की हुई है, तो बैन अल-अक़वामी जो सियाहत है, इंटरनेशनल टूरिज़्म है, वो बहुत ज़्यादा पहले से आसान हो गई। मतलब पहले जो है पहले की बात करें, कुछ दहाई पहले की बात करें तो आप भी जहाज़ों के ज़रिए समुंदरी साहिल पर वाके जो ममालिक थे उनमें जो है सफ़र किया जाता था। मतलब अगर आप जानते होंगे, अगर हज करने के लिए भी जो है पहले आबी जहाज़ों का इस्तेमाल होता था, तो वो बहुत लंबे सफ़र हो जाते थे। लेकिन जो है जब से हवाई जहाज़ वगैरह करतका हुआ है तो ये सारी जो है इंटरनेशनल टूरिज़्म है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आसान हो गई है, फास्ट हो गई है। अभी भी जो है आबी जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और रेलवे की पटरियों ने भी जो है, अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में रेलवे का जो जाल है वो काफ़ी घना है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, रेलवे की पटरियों ने जो है ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जो है कवर कर लिया है। उसके अलावा जो है हवाई जहाज़ की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताई, दुनिया करीब तरीन हो गई है, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई है दुनिया। क्यों? क्योंकि जब भी हम जहाँ भी चाहे बहुत कम वक्त में जो है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं। मुआशी वसत के बाद भारत से गैर ममालिक जाने वालों की और गैर ममालिक से भारत आने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। यहाँ पर अगर मैप और ये पाई चार्ट, सॉरी मैप नहीं, ये बॉक्स और पाई चार्ट अगर आप देख सकते हैं, तो इंडिया में जब से जो है हवाई जहाज़ का इर्तका हुआ है, हवाई जहाज़ जो है उसमें तरक्की हुई है, तो इंडिया में फॉरेनर्स के आने की जो नंबर्स है वो भी, और इंडिया से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी, दोनों की तादाद में जो है वो काफ़ी मैसिव यानी चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब यहाँ अगर आप बॉक्स में देख रहे होंगे तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे जो, और दिल्ली वगैरह जैसे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में गैर ममालिक आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं महाराष्ट्र और मुंबई स्पेशली जो है वो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह की बात करें तो ये सारे जो है कुदरत से घिरे हुए और जो है तारीखी शोहरत याफ्ता रखने वाले स्टेट्स है, शहर है। और अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा आती है, तो बांग्लादेश है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज से जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है टूरिस्ट इंडिया का सफ़र इख्तियार करते हैं। अब क्यों इख्तियार करते हैं, यानी क्या रीजंस होते हैं जो गैर मुल्की सियाहत का तनासुब जो है बढ़ गया? तो सबसे पहली वजह जो है वो है आला तालीम। हम जानते हैं इंडिया से भी, इवन आप लोगों में से भी इंशाल्लाह काफ़ियों का सफ़र जो है ख्वाब होगा आगे जो है अपनी आला तालीम, जो अपनी हाई एजुकेशन है वो किसी बाहर की कंट्री से जो है आप लोग करें। मोस्टली इंडिया से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अमेरिका का सफ़र इख्तियार करते हैं, वहाँ की अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ से अपनी आला तालीम पूरी करने के लिए। इसके अलावा अगर डिग्री वाली तालीम की बात ना करें तो इंडिया में भी जो है काफ़ी बाहर के टूरिस्ट आते हैं, स्पेशली यहाँ के जो हेरिटेज एंड कल्चरल चीज़ें हैं उसको पढ़ने के लिए। और जो हमारे इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की जो तालीम होती है, स्पेशली जो जिसमें जो है खुसूसी तौर पर योगा और जो है किस तरह अपनी बॉडी को कंट्रोल किया जाए, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, इस तरह से जो है आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा जो है फॉरेनर्स ये चीज़ें सीखने के लिए इंडिया में आते हैं। उसके अलावा दूसरी वजह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, वो है तफरी, जो मकामात की सैर है, यानी अलग अलग जगह पर घूम कर वहाँ के कुदरती मनाजिर, वहाँ के हिस्टोरिकल इवेंट्स, वहाँ की कल्चर, वहाँ की तहजीब सबको देखना, और उसको एक रहता है काफ़ी लोगों को टूरिज़्म का शौक। तो ऐसे बहुत सारे जो है इंडियंस भी हैं, ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं जो इंडिया आते हैं, और ऐसे बहुत सारे इंडियंस भी जो है फॉरेन कंट्रीज़ विज़िट करते हैं, क्योंकि
एक जो है उन्हें एक ब्रेक भी चाहिए होता है, और जो है लोगों में एक उत्सुकता रहती है, एक चाहत रहती है कि जो है अलग अलग जगह की तारीख और तहजीब का मुताला करें, अलग अलग जगह के जो है कुदरती मनाजिर को देखें। तो तफरी और जो मकामात की सैर, वो एक अहम रीज़न है इंटरनेशनल टूरिज्म का। इसके अलावा पेशा वाराना काम, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस। तो आलमगारी के बाद से जो है हम जानते हैं कि तिजारत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर हो गई है। तो बहुत सी मीटिंग्स होती है, बहुत सी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो उसकी मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए जो है लोग एक जो है कंट्री से दूसरी कंट्री विज़िट करते हैं। तो ये भी जो है एक अहम वजह है इंटरनेशनल टूरिज़्म की। और एक वजह है फिल्म साजी। इसके मुताबिक तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो फॉरेन में शूट हुई है, क्योंकि जो है मे भी एक वजह यह है कि इंडिया में काफ़ी आबादी है, तो वो जगह के मसला आ जाता है। और फॉरेन की जो मनाजिर है, जो खूबसूरत मनाजिर है, वो जो है काफ़ी इंडियन फिल्म्स में जो है कवर किया गया है। अब ये एक चीज़ जो है आप लोग देख लीजिए, मकामी और बैनुल अक्वामी सियाहत में फ़र्क, यानी नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म में जो डिफरेंस है, क्योंकि ये पेपर में जो है पूछा जाता है। मकामी या बैन रियासती सियाहत का जो सफ़र है वो आसान होता है, इसमें दस्तावेजी खाना पूरी की ज़रूरत नहीं होती, यानी जो फॉर्म्स एंड अदर डिटेल्स है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। वीज़ा का जो है उस वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, ज़बान की दुश्वारी पेश नहीं आती है, करेंसी की मालूमात होती है क्योंकि हम अपनी ही कंट्री के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो अलग करेंसी यूज़ नहीं होगी। सफ़र की मनसूबाबंदी अपनी सहूलत के मुताबिक की जा सकती है, और उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं, और कहीं भी कितने भी अरसे तक का जो है हम क़याम कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा नहीं है तो कोई टाइम लिमिट और कोई पीरियड लिमिट होती नहीं है। इंटरनेशनल टूरिज्म की देखें तो अनजाने इलाके की वजह से जो है सफ़र आसान नहीं होता है, हमें दस्तावेजात हमेशा अपने साथ रखने पड़ते हैं। वीज़ा के बगैर जो है दूसरे मुल्कों में दाखिले पर पाबंदी होती है, गैर मुल्की ज़बान से हम वाकिफ़ नहीं होते जिस भी हम कंट्री में विज़िट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ी दुश्वारी पेश आती है। करेंसी अलग होने की वजह से सबसे बड़ा मुश्किल तो ये रहता है, कोई चीज़ खरीदने से पहले वहाँ की करेंसी उसको समझो, फिर उसको जो है कन्वर्ट करो, फिर एक तो वैसे ही हम जो है अलग अलग जो करेंसी है उसकी कीमत, उसकी वैल्यूज़ और जो यूनिट्स है, जैसे यहाँ भारत में रुपए और पैसे है, तो वैसे वो जगह की जो है याद रखना और फिर उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तयशुदा मनसूबे के मुताबिक ही सफ़र करना होता है, उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते और ज़्यादा अरसे तक क़याम नहीं कर सकते, क्योंकि वीज़ा जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है। अब देखते हैं हम जो सियाहत की किस्में थी उसमें जो हम सबसे पहले शुरू करते हैं तारीखी सियाहत यानी हिस्टोरिकल टूरिज़्म। सो आलमी सियाहत की एक किस्म है तारीख के मुतालिक लोगों के तजस्सुस को, उनका जो एक्साइटमेंट और उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको देखते हुए तारीखी सियाहत की सैर का इनेकाद किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताई कि लोगों में जो है एक एक तरह का तजस्सुस होता है, एक जानने की ख्वाहिश होती है कि किस जगह पे जो है किस तरह की तारीख है, और वो जो है उस तारीख के जो सबूत मौजूद है या एक तरह से जो है उस तारीख से जो ताल्लुक़ रखने वाले मकामात हैं वहाँ पर जो हम सैर करते हैं उन मकामात की। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक किलों के मुहक्किक यानी रिसर्चर है गोपाल नीलकंठ दांडेकर। तो ये जो है उन किलों की सैर की सियाहत का इनेकाद करते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के से ताल्लुक़ रखती है, यानी पूरे महाराष्ट्र में जो जितने भी किले हैं जो शिवाजी महाराज के दौर के हैं वहाँ पर जो है उन इन किलों की सैर का जो है इनेकाद किया जाता है, यानी वो अरेंज किया जाता है। इसके अलावा भारत में कुछ जो है तारीखी सियाहत के मकामात अगर देखें तो सॉरी हाँ 1857 की जंग आज़ादी से मुतालिक जितने भी मकामात हैं जहाँ पर जो 1857 की बगावत की सबूत या निशानात मौजूद है, तो ऐसी जगहों का जो है लोग विज़िट करना पसंद करते हैं। राजस्थान के जो किले हैं, राजस्थान की तारीख जो है वो काफ़ी मतलब वहाँ पर जो है राजा महाराजाओं का दौर गुजरा है, तो वहाँ की जो वो शाही तारीख है वो किले और उसके अंदर की बनावट सजावट और जो खूबसूरती से जो काम किया गया है वो, और वहाँ की जो है अभी भी अगर आप देखें तो राजस्थान में जो है आपको ऐसी जो राजा महाराजाओं वाली चीज़ है वो काफ़ी देखने मिलेगी। और शिवाजी महाराज के किले में जैसे भी बताई, महाराष्ट्र में जो है शिवाजी महाराज के जितने भी किले मौजूद है नॉर्मली लोग जो है काफ़ी ज़्यादा विज़िट करते हैं उन सबको, काफ़ी जो है फेमस है। और जो है महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से मुतालिक जो आश्रम मौजूद है वहाँ पर भी जो है लोग सियाहत करना पसंद करते हैं। यह आप देख सकते हैं 1857 की जंग आज़ादी से मुतालिक जो मैदान में या जिस जगह भी जंग हुई है जिन किलों में हुई है वो। राजस्थानी किले आप ज़रूर सर्च करिए गूगल पर, बहुत खूबसूरत खूबसूरत किले वहाँ मौजूद है।
इसके अलावा जो है शिवाजी महाराज के किले, तो इसमें से काफ़ी सारे किले तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने देखी होंगे या विजिट किए होंगे। और महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे से मुतालिक जो अलग अलग आश्रम मौजूद है पूरे देश भर में, जब भी वो जहाँ भी जिस स्टेट में विजिट करते थे वहाँ पर जो है आश्रम होते हैं उनके, हर स्टेट में नहीं बट मोस्टली। अब देखते हैं जुग्राफिया सियाहत, हिस्टोरिकल टूरिज्म में यहाँ आपको इतनी चारी मिसाल दी गई है, लेकिन हम जानते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म बहुत बड़े जो है मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, यानी हर स्टेट की जो अपनी एक तारीख है और हर एक स्टेट की जो अपनी एक अहमियत है, तो अलग अलग जो है स्टेट के लिहाज से जो है अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग तारीख के हिसाब से जो है वहाँ पर तारीखी सियाहत की जाती है। अब देखते हैं जोग्राफिकल टूरिज्म, तो इसमें जो है मुख्तलिफ जुग्राफिया खसूसियात के मुशाहदे के लिए सियाहत की जाती है। जुग्राफिया मुशाहदात यानी किसी भी जगह पर जाकर वहाँ के नेचर को, वहाँ की ज़मीन, आसमान, आबो हवा, पानी, इन सबको एनालाइज करना, उसके मुतालिक जो है बारीक बिनी से मुशाहदा करना, मुताला करना, ये जो है जुग्राफिया सियाहत में इंक्लूड होता है। इसमें जो है मामन यानी जंगलात, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है फूलों की वादी एक उत्तराखंड में, जहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, ये समुंदरी साहिल अलग अलग हो गए। जुग्राफिया खसूसियात रखने वाले मकाम हैं जैसे कि लूनार झील है या निगोज में जो है रंजन खड़गे हैं वगैरह का शुमार जो है जुग्राफिया सियाहत में होता है। भारत में जो है काफ़ी मशहूर है जुग्राफिया सियाहत के लिए। तो जुग्राफिया सियाहत में नॉर्मली क्या होता है, जो लोग जिन मकाम मतलब जिन लोगों में एक तजस्सुस होता है, ख्वाहिश होती है कुदरती मनाजिर का मुशाहदा करने की, और वो एक सुकून और खुशगवार मौसम को फील करने की, और जो है कुदरत के राज जानने की कि किस जगह पर जो है ऐसा क्यों होता है और उस जगह पर जो है क्या खासियत है, किस तरह के नबातात और जानदार जो है मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो है बहुत सारे सियाह जो है इन मकाम की सैर करते हैं। जैसे जो है मामन, आप अगर देखें भारत में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन्हें कहा जाता है, ये जो है बहुत आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, भारत में जो है भारत इस मामले में जो है काफ़ी रिच है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे मामन और जंगलात भारत में मौजूद है, जिसे जंगल सफारी वगैरह जो है भारत में अरेंज की जाती है काफ़ी सारी जगहों पर। और इसके अलावा जो है ये है वैली ऑफ फ्लावर्स जो उत्तराखंड में मौजूद है, और ये कोई ऐसी बनाई हुई फोटो नहीं है, एक्चुअली वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो इसी तरह की है, बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ नज़र पड़ी वहाँ आपको रंग बिरंगे फूल ही नज़र आते हैं। ये है लुनार झील जो काफ़ी मिस्टीरियस मानी जाती है, सब मतलब अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको बहुत सारी इसकी मिस्ट्रीज जो है आपको पता चलेगी। लुनार झील जो है ऐसा कहा जाता है कि एक जो है आसमान से एक एस्ट्रॉइड जो है ज़मीन से टकराया था, और उसकी वजह से जो है ये इतना बड़ा मतलब जो है गढ़ा बन गया ज़मीन में। और यहाँ का इसका जो पानी है झील का वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अलग है, और उसकी जो है काफ़ी रिसर्च होती है। अभी आपने बीच में न्यूज़ देखी होगी कि लुनार झील का पानी जो है वो पिंक कलर का हो गया था, उसकी भी साइंटिफिक वजह भी थी। तो ये झील जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस है अपने आप में ही, तो इसलिए जो है लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको विज़िट करना और इसकी जो है मिस्ट्रीज़ के मुतालिक मालूम करना। ये है पोर्ट होल्स निगोज, ये जो है महाराष्ट्र में ये मकाम मौजूद है, और यहाँ पर जो ये नदी है मतलब इसके बीच से जो है एक नदी बहती है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ये ज़मीन बनी हुई है, वो जो है काफ़ी लोगों में जो है एक एक्साइटमेंट का मौजू रहता है। पोर्ट होल्स यानी ऐसे छोटे छोटे, देखिए आप लोग दिख रहा होगा आपको, ऐसे खिड़कियाँ जैसी बनी हुई है एक दूसरे के अंदर ही अंदर, पत्थरों के अंदर, तो ये किस तरह वजूद में आई और कैसी आगे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से लोग जो है ये जानने के लिए लोग जो है काफ़ी बार जो है इन जगहों पर विजिट करते हैं। अब है रिलीजियस टूरिज्म, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ समाज के लोग मुख्तलिफ मकाम पर फैले हुए हैं, उनमें रायत जो देवमालाई कहानियाँ उनकी रिवायात है, तो इन कहानियों से वाबस्ता जो जुग्राफियाई मकाम है उनकी वजह से जो है मतलब उन जगहों पर विज़िट करने में इनमें यकजहती का जज्बा रहता है। जैसे हम हमारी बात करें तो हम जो है हमारी तारीख और हमारी रिवायात इस्लामी तारीख के मुताबिक जो है, तो हम मक्का और मदीना वगैरह को जो है काफ़ी अहमियत हासिल है, और जो है ऐसे मकामात जो ऐसे जुग्राफिया मकामात जो किसी रिलीजस से अटैच है, तो ऐसी जगहों पर जो है लोग काफ़ी बार जो है टूरिज्म इख्तियार करते हैं, सफ़र इख्तियार करते हैं, तो इन मकामात की सफ़र और सैर जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। जैसे चार धाम यात्रा हो गई, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है, और जो है हमारा हज का सफ़र है या उमरा का सफ़र है, तो ये सब जो है वो मज़हबी सियाहत में शुमार होता है। यानी ऐसी जगहों पर विज़िट करना जो किसी भी मज़हब से कंसर्न हो और मज़हब के मुतालिक करने के लिए जो है हम
उस जगह का सफ़र करते हैं। अक्सर मकामात पर जो है लोगों के सहूलत बख्श इंतज़ाम की खातिर अहिल्याबाई होलकर जो है गुजरी है 1725 से 1795 के दौर में, तो उन्होंने जो है अपनी ज़ाती मलकियत से अवामी फलाह के काम किए। ऐसी जो है अक्सर मकामात पर लोग जो है भारत में अलग अलग जो है मजहबी यात्रा करते हैं, तो उनके लिए जो है अहिल्याबाई होलकर ने अपनी ज़ाती मलकियत यानी अपने जो अपने ख़ुद के पैसे थे उसकी मदद से जो है उन्होंने लोगों की जो है सहूलत मतलब सहूलत बख्श इंतज़ाम किए लोगों के लिए जो है उनके ठहरने खाने पीने और दूसरे फलाह के काम जो उन्होंने किए थे। अब है तिब्बी सियाहत हेल्थ टूरिज़्म, ये जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आज के दौर में स्पेशली इंडिया में। मगरबी लोगों की राय है कि भारत में तिब्बी खिदमत और सहूलियात मियारी है जिसकी वजह से गैर मुल्की लोग जो है भारत में आने लगे। भारत में स्पेशली अगर हम बात करें जो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी है उस तरह से या योग वगैरह के ज़रिए जो है लोग काफ़ी काफ़ी सारे जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जो है इस तरफ आते हैं क्योंकि देखिए आप यहाँ पर होगा हाँ भारत में वाफिर मकदार में शमसी रोशनी मैसर होती है जिससे फ़ायदा हासिल करने के लिए दुनिया भर से लोग जो है वो भारत में आते हैं। योगा की तालीम है, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथ जो है इन तरीक़ों से जो है लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत में जो है गैर मुल्की सियाह रोज़ बरोज़ जो है वो आते हैं। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में या चैनल वगैरह पर देखा होगा काफ़ी जो है फेमस है स्पेशली योग और आयुर्वेद के लिए जो है काफ़ी सारे वेस्टर्न जो है लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। ज़रई सियाहत ये भी जो है दौरे हाज़र में काफ़ी तेज़ी से इर्तिका पज़ीर हो रही है। शहरों में पले बड़े जो लोग हैं जैसे हम जैसे जो लोग हैं और हम ज़रात से बिल्कुल नावाकिफ़ है बिल्कुल मतलब फार्मिंग का एफ भी नहीं आता है, तो ऐसे जो लोग शहरों में पले बड़े और ज़रात से बिल्कुल जो नावाकिफ दूर जो है लोग, तो ऐसे लोग जो है वो सियाहत की एक किस्म है ज़रई सियाहत जिसमें जो है काफ़ी लोग महसूस होते हैं। लोगों को अच्छा लगता है किसी भी जो है फार्म को किसी भी खेत में, अगर आपने देखा होगा अभी स्कूल वगैरह में भी जो है पिकनिक्स इसी जगह पर ऐसी जो है जगहों पर लेके जाते हैं ताकि बच्चों को जो है पता चले इन बारे में, तो किसी ऐसी खेतों में और जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर विजिट, जैसे हालिया ज़माने में काश्तकार जो फार्मर्स है वो दूर दराज वाकई ज़रई तहकीकी मराकज़ जो है ज़रई यूनिवर्सिटीज़ है ज़रात के शोबे में जो नए नए तजुर्बात हैं उनको जो है ऐसे मतलब ऐसी जगहों पर जो है वो लोग विज़िट करते हैं फार्मर्स भी और जो लोग इन चीज़ों से ना वाकिफ़ है वो लोग इसे जानने के लिए भी जो ऐसी जगहों पर विज़िट करते हैं। तो ये जो है वो होता है एग्रो टूरिज़्म यानी एग्रीकल्चरल टूरिज़्म, और ऐसे जो है मालिक में इसराइल जैसे मुकामात जो है वो काफ़ी अहमियत के हामिल है और वहाँ पर जो है ज़रात की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये आप तस्वीर में भी देख सकते होंगे किस किस किस्म का होता है। अब है स्पोर्ट्स टूरिज़्म, सो स्पोर्ट्स टूरिज़्म दो तरह का होता है, एक तो खेलने जा रहे हैं और एक खेल देखने जा रहे हैं। 20वीं सदी में खेल सियाहत को फ़रोग हासिल हुआ है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े कि खेलों की जो है बिल्कुल माशी जो है वो बदल गई है। आलमकारी के बाद जो है वो खेल इंटरनेशनल लेवल पर भी मुनाकिद होने लगे। आलमी सतह पर जो है ओलंपिक विंबलडन शतरंज के आलमी मुकाबले बैन अलाक्वामी क्रिकेट मुकाबले और इसके अलावा अगर मुल्की सतह पर देखें तो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी के अलावा जो है हिमालय कार रैली और महाराष्ट्र में जो है केसरी कुश्ती के मुकाबले भी होते हैं। तो इस तरह के मुकाबले देखने के लिए जो सफ़र इख्तियार किया जाता है उसे खेल सियाहत कहा जाता है। हम जानते हैं कि इंडिया में जो है वो स्पोर्ट्स को काफ़ी अहमियत हासिल है, चाहे फिर वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या दूसरे जो है स्पोर्ट्स है जो अलग अलग ओलंपिक वगैरह भी होता है वो, तो बहुत सारे जो है ऐसे खेल के मद्दा है जो खेल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो इंडिया से दूसरी कंट्री में विज़िट करते हैं वहाँ का सफ़र इख्तियार करते हैं ताकि जो है उन लोग इन मतलब इन खेलों को देख सके इन मुकाबलों को देखने के लिए जाते हैं। तो ये जो सफ़र इख्तियार किया जाता है किसी भी कंट्री में के लिए जब वहाँ के खेल के मुकाबले देखने के लिए टूर्नामेंट्स देखने के लिए जब जाते हैं तो उसे जो है खेल सियाहत इन स्पोर्ट्स टूरिज़्म कहते हैं। अब है इत्तेफाकी सियाहत, ये कुछ अलग है टूरिज़्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स। इंसान सैर सपाटे के लिए और सियाहत के लिए जो है बहाने ढूंढता रहता है इसमें कोई शक नहीं है। आज 21वीं सदी में सियाहत के बहुत सारे मकामात जो है वो मौके दस्तियाब है सॉरी मकामात नहीं मौके दस्तियाब है यानी मौके दस्तियाब है, जैसे कि दुनिया भर में जो है मुख्तलिफ ममालिक में मुनाकिद की जाने वाली जो फिल्मी तकरीबात होती है जो अवार्ड शोज़ एंड फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वो कॉन्फ्रेंस है बैन अलाक्वामी किताब मेले है और भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे इवेंट्स जो है वो मुनाकिद किए जाते हैं। तो इन वजूहात के पेश नज़र लोग जो है मुख्तलिफ मकामात का सफ़र करते हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो सैर सपाटे की नहीं होती है बल्कि जो है एक तरह से कोई इवेंट रखा जाता है और उस
उस इवेंट में शामिल होने के लिए जब सफर तैयार किया जाता है तो उसे इत्तेफाकी सियाहत कहते हैं। महाराष्ट्र के अदब नवाज लोग भी जो है हर साल मुनक़िद होने वाले ऑल इंडिया मराठी अदब कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं। इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे अदबी कॉन्फ्रेंस जो है वो महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश में भी होते हैं। तो ऐसी जो है लोग ऐसे इवेंट्स में ऐसे कॉन्फ्रेंस में जो है आते हैं अलग अलग स्टेट से सफ़र करके, तो ये जो है इत्तेफाकी सियाहत पे शुमार होगा। अब है सियाहत का फ़रोग, तो मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को मालूमात फराहम करना सबसे अहम मौजू है। इसके अलावा भी जो है सियाहत में क्या क्या उमूर पर तवज्जो दी जाती है, सियाहों की नकल हमल और तहफ़ क्योंकि देखिए आप इन अगर स्टेट के अंदर की भी बात कर रहे हो या इंटरनेशनल टूरिज़्म की बात हो, सियाहों जो जो टूरिस्ट आते हैं उनकी नकल हमल यानी उनको जो है दूसरी जो मकामात है उनकी जब वो सैर के लिए निकलते हैं तो उनको जो है नकलो हमल का इंतज़ाम उनका जो है सही होना चाहिए, ताकि जो है एक तो परेशानी होती है अगर जो है सही ट्रांसपोर्टेशन ना मिले, और इसके अलावा जो थकन भी हो जाती है तो वो जो है उतने अच्छे से अपनी सियाहत का मज़ा नहीं ले पाते हैं। उनका तहफ़ सफ़र की जो अलग अलग सहूलियात है, सफ़र में तहारत खानों की सहूलियात जो है लोगों के लिए जो है सही रिहाइश का इंतज़ाम और उनकी बाकी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो उनको, ताकि जो है किसी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें कम्फर्ट्स हर तरह का मिले। मियारी क़याम गाहों का इंतज़ाम, जो अच्छे अच्छे मियारी होटल्स है या फिर कॉटेजेस या जो रेंट पे मिलते हैं तो अच्छे हो, मियारी हो, कम्फर्टेबल हो लोगों के लिए जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए, और माजूर सियाहों की ज़रूरियात भी जो है उसमें उनका भी जो ध्यान रखना चाहिए। अब तारीखी विरसे की बका के लिए जो है बका के लिए नहीं इसकी हिफाजत के लिए दर्जन उमूर से बचना चाहिए। टूरिज़्म तो पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है, लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया से लोग बाहर सफ़र करने जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पर आपने देखा होगा अगर आप विज़िट करते हैं तो कि जो तारीखी विरसे हैं उनको जो है लोग इन चीज़ों से ख़राब करना चाहिए, जैसे तारीखी इमारतों को जो है ख़राब कर रहे हैं, उस पर जो है इबारत लिख देते हैं, कुछ भी जो है खुरे थुरे पत्थर से एकदम ठोक ठोक के पूरा जो है उस पर अपना नाम लिखना या कुछ भी लिखना, या दरख्तों पर कुंदाकारी करना, तराशना उसको, या पुरानी इमारतों को भड़कदार रंगों से रंग देना, और जो है इसके अलावा मतलब इमारतों को ख़राब करने से अलावा जो है जो भी जगह होती है वहाँ पर सहूलतें मौजूद नहीं होती है, जो बेसिक सहूलत होनी चाहिए जैसे कि वॉशरूम है और पानी का इंतज़ाम है, कचरे जो सफाई का इंतज़ाम है, इन सारी बेसिक चीज़ें भी जो है कई सारी जगह पर जो है मौजूद नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इमारतों को जो है आप लोग खुद भी अगर कहीं विज़िट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना हो, यानी आप इमारतों पर लिखे ना, उसको खुरेचे ना, और उसमें जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश ना करें, तो ताकि जो है हमारी तारीखी विरासत जो है वो महफूज रहे, बचा सके हम उन्हें। बैनुल अक्वामी अहमियत की हामिल ज़बानों के मालूमाती किताबें, गाइड बुक, नक्शे, तारीखी किताबें मुहैया कराना ज़रूरी होता है जब हम वहाँ जाते हैं। जैसे अगर आपने यूपी या दिल्ली वगैरह का सफ़र किया होगा, आगरा वगैरह का, वहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे जो ताजमहल है या लाल किला वगैरह के बाहर जो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ट्रैवल गाइड्स जो है, या उस जैसे लाल किला के मुतालिक एकदम स्पेसिफिकली उसके मुतालिक जो है बुक्स होती है, तो ऐसी गाइड बुक, मालूमाती बुक, नक्शे और तारीखी किताबें जो है वो मुहैया कराना ज़रूरी है। तो एक तरह से लोग जो है वहाँ के मुतालिक जो है मालूम भी हासिल करना चाहते हैं और एक याद के तौर पर भी लेके जाते हैं। तो और इसके अलावा जो है गैर मुल्की सियाह जो है उनको सैर कराने वाले जो ड्राइवर हैं उनको ज़ूलिज़ानी तरबियत, यानी ज़ूलिज़ानी यानी अलग अलग ज़बान बोलना आना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश तो आनी चाहिए क्योंकि जो है इंग्लिश जो है आलमकारी के बाद से जो है कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन गई है, और इंटरनेशनल अगर टूरिज़म के हिसाब से देखे तो इंग्लिश आना जो है ड्राइवर को ज़रूरी है, ताकि जो है वो कम्युनिकेट कर सके अपने पैसेंजर्स या टूरिस्ट के साथ। ये ड्राइवर जो है गाइड के तौर पर भी काम कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जगहों पर यही होता है, जो ड्राइवर्स हैं उनको इस तरह की तरबियत दी जाती है कि वो ड्राइव भी करें और जो है साथ ही साथ एक गाइड का भी काम करें, तो वो ड्राइव करते करते जो है अलग अलग चीज़ें बताते हुए जाते हैं, और फिर जो है किसी मकाम पर जैसे अगर जो मकाम के लिए सैर के लिए जा रहे हैं वहाँ पहुँच गए तो वहाँ भी जो है वो एज अ गाइड भी काम कर सकते हैं और एज अ ड्राइवर भी। अब है तारीखी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़ तो ये जो है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है,
हमारे मुल्क भारत में जो है कदीम अहद वस्ता और दौर हाजिर के कई सारे तारीखी मकामात का विरसा मौजूद है। कोई शक नहीं है, चाहे वो तारीखी हो, मजहबी हो या जोग्राफिकली हो, बहुत सारे विरसे जो है मौजूद है। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था इसके मुतालिक, जो है पूरी लिस्ट आपको दी गई थी। तो कुदरती विरसा भी हमें हासिल है और इंसानों का तैयार करदा यानी तहजीबी विरसा भी जो है भारत में मौजूद है। दुनिया भर में मशहूर और मरूफ कुछ अहम मकाम भी भारत में वाक़ है, जैसे जो हमारे ताजमहल हो गया या लाल किला हो गया। उसके अलावा भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें पूरे भारत में अलग अलग स्टेट्स में जो है मशहूर है, जो इंटरनेशनल लेवल की शोहरत रखती है। तो इन मकाम में ताजमहल, जंतर मंतर, रसदगा के साथ साथ महाराष्ट्र का जो है अजंता एलोरा और घारापुरी यानी एलिफेंटा के गार्ड्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस मगरबी घाट है और कास की सतह मुर्तुफा, ये सब कुछ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अहमियत की हामिल है। तो ऐसी जगहों को देखने के लिए पूरी दुनिया भर के जो सियाह वो जो है टूरिस्ट है वो हमारे मुल्क में आते हैं और आने की ख्वाहिश रखते हैं, और हज़ारों गैर मुल्की हमारे मुल्क में आते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो आपको जो है एक फिगर मिलेगा, और एक्चुअली जो है इंडिया में काफ़ी बड़ी तादाद में फॉरेनर्स जो है वो टूरिज़्म के लिए आते हैं। आलमी विरसे के मकामात में हमारे मुल्क में किसी तारीखी मकाम का इंतखाब हो जाने पर हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हम सैर व तफरी के इरादे से इस मकाम को देखने जाते हैं तो हमें कैसा मंजर नज़र आता है। हम जानते हैं यूनेस्को ने जो है हेरिटेज लिस्ट जारी की थी जिसमें इंडिया के काफ़ी मकाम शामिल है, तो एक बहुत खुशी होती है, प्राउड होता है कि हाँ इंटरनेशनल लिस्ट में जो है इंडिया का भी नाम है, इंडिया के भी मकाम है। लेकिन अगर हम उन जगहों को विज़िट करेंगे तो आप लोग देखेंगे पूरे एतराफ़ में उन इमारतों के सिया जो है वो खुरिया और कोयलों से अपना नाम लिखते हैं, तस्वीर बनाते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने अभी जैसे पीछे बताया कि जो है वहाँ पर बेसिक सहूलतों का भी जो है इंतज़ाम सही से मौजूद नहीं है। तो इन सारी गलत कामों की वजह से जो इसका मुज़र असरात हमारे मुल्क पर ही पड़ता है। देखिए, अगर कोई टूरिस्ट इधर आएगा उसके बाद अगर वो यहाँ विज़िट करने के बाद जो है अगर इन्हीं चीज़ों को वो देखेगा कि जो है इमारतों पर लिखा हुआ है और जो है उसमें तराशा गया है और जो है सफाई नहीं है और बाकी बेसिक सहूलतें नहीं हैं, तो वो जो है बाहर अपनी कंट्री में वापस जाकर एक जो है राय कायम करेगा भारत के मुतालिक या उस जगह के मुतालिक। तो इसकी वजह से जो है हमारे मुल्क पर, हमारी इकोनॉमी पर ही असर पड़ेगा। तो इसलिए जो है लाजिम है कि हम जो है एक अज़्म कर ले, आप लोग ख़ुद भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी सियाहती मकामात का सफ़र करें तो वहाँ पे सफाई का ख्याल रखें, गंदगी ना करें और किसी भी तारीखी इमारत ख़राब नहीं करें, और अगर पॉसिबल हो तो अपने आसपास अगर किसी को देख रहे हो तो उन्हें भी रोक लीजिए। अब है सियाहत के शोबे में रोज़गार के मौके, तो आप आंसर बहुत अच्छे से खुद से लिख सकते हैं। सियाहत की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं, मतलब जब कोई फॉरेन इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो एयरपोर्ट पे कदम रखने से पहले ही वो सियाहत की आमदनी का ज़रिया बन जाता है, क्योंकि वीज़ा के लिए जो फ़ीस अदा करता है वो हमारे मुल्क को मिलती है। इसके अलावा जब वो आते हैं तो सफ़र है, खर्च है, होटल में क़याम व त्याम यानी जो होटल में रिहाइश का इंतज़ाम है, गाइड की मदद लेना, अखबार है, हवाला जाती वसाइल जो है जैसे अलग अलग बुक्स हो गई, यादगार के तौर पर जो है मकामी अशिया हम ख़रीदते हैं, ये सारी चीज़ें, और सियाह जो है अपने घर लौटने तक इन अलग अलग तरीक़ों से जो है मुल्क की आमदनी का ज़रिया बना रहता है, क्योंकि वो सफ़र करेगा, होटल में रुकेगा, गाइड की मदद लेगा, बुक्स लेगा या कोई भी यादगार के लिए चीज़ लेगा, इन सब के बदले जो है वो पैसे देगा और ये जो है मुल्क की आमदनी का ज़रिया होता है। इसके अलावा सियाहती मराकज़ जो होते हैं उनके तरफ तिजारती मंडियों को काफ़ी फ़रोग मिलता है, स्पेशली जो उस जगह की खसूसियात हो, जैसे जो हाथ काम किया हुआ होता है या जो है हैंडमेड चीज़ें होती है या उस जगह की जो है पर्टिकुलर जो कोई ख़ास चीज़ होती है, उन चीज़ों को जो है वो काफ़ी यहाँ पे अहमियत हासिल होती है, लोग याद के तौर पर जो है ख़रीद के लेके जाते हैं, या फिर जो वहाँ की मकामी खाने की डिशें जो मशहूर है उस जगह वो जगह पर खाने की चीज़ उसमें भी जाए, जैसे आप अगर दिल्ली वगैरह की ओल्ड दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारी ऐसे रेस्टोरेंट्स और छोटे छोटे जो है दुकानें मिलेगी जो काफ़ी मशहूर है अपने खाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें जो है मकामी रोज़गार में इजाफा करती है। और भी आपकी टेक्स्ट बुक में काफ़ी पॉइंट्स हैं जैसे ड्राइवर या बाकी जो है गाइड के मुतालिक, तो वो भी जो है आप लोग इसमें कवर अप कर सकते हैं। अब जो है आपकी टेक्स्ट बुक में एक लास्ट टॉपिक है, महाराष्ट्र में सियाहत के नुक्ते नज़र से कौन कौन सी जगह है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आपको सवालात है स्पेशली जो गलत जोड़ी पहचानने वाला सवाल है उसमें जो है इसमें से काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, और आपको ऐसे लिखने भी आ सकता है कि सियाहत के नुक्ते नज़र से महाराष्ट्र में मौजूद जगह बताइए।
तो सबसे पहले हम जो गार और तस्वीर और मूर्तियों की कैटेगरी देखें, तो आलमी शोहरत याफ्ता गार अजंता एलोरा और एलिफेंटा जो है वो महाराष्ट्र में मौजूद है, जिसमें जो है ऐद कदीम और ऐद वस्ता की जो है सॉरी ऐद कदीम में जो वहाँ की जो ऐद कदीम की रिवायत है वो देखने मिलती है। तस्वीर और मूर्तियाँ जो है यहाँ पर तराशी हुई है। इसके अलावा मज़हबी मकामात जिसे मकाम ज़ायर भी कहते हैं, तो पेठन, त्रिम्बकेश्वर, देहूद, आलंदी, जिजोरी, पंडरपुर, शिरडी, शिगांव, तलजापुर, कोल्हापुर, नाशिक, ये सारे मकामात जो है वो महाराष्ट्र में मौजूद है जो मज़हबी अहमियत के हामिल हैं। सर्द मकामात देखें तो महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, माथेरान, चकदार, लोनावला, हाजी मलंग, बीबी का मकबरा, नांदेड़ में जो गुरुद्वारा, मुंबई का जो है मैरी चर्च, हाजी अली दातार, ये सारी जगह जो है वो सर्द मकामात में महाराष्ट्र के शुमार होती है। उसके अलावा बंद यानी डैम देखेंगे तो कोयना नगर, जायकवाड़ी डैम, भाटघर और चांदोली बैंड सॉरी बंद जो है वो मशहूर है महाराष्ट्र में। और जंगली मामन यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसमें दीजीपुर, सागरेश्वर और ताड़ोबा के जंगली मामन जो है वो मशहूर है। अब लास्ट जो चीज़ है कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से करीब एक भेलार नाम का जो है गांव है जो कुदरती मनाजिर और स्ट्रॉबेरी की मिठास के लिए जो है काफ़ी मशहूर है। लेकिन मेन जो चीज़ जो मशहूर है वो है उस गांव में किताबें, यानी उस गांव के हर एक घर में जो है सियाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए जो है वो किताबें रखी जाती है। इसमें इसकी वजह ये कि मुताले के तरह बेदारी हो, मराठी ज़बान के नए पुराने जो मुसन्निफीन हैं उनकी किताबें, संतों का अदब, कहानी, नावल, नज़म, फ़नून लतीफ़ा, किरदार, सवाने हयात यानी बायोग्राफीज, नसाई अदब जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है वो, अदब अतफ़ाल यानी बच्चों के लिए बुक्स, और अलग अलग तरह की जो है काफ़ी सारी किताबें वहाँ मौजूद है जिससे जो है आप मुताले का मज़ा ले सकते हैं। तो इस मकसद के तहत जो है ताकि लोग जो है उस चीज़ों के बारे में जाने और उनमें बेदारी आए, इस मकसद के तहत जो है हुकूमत महाराष्ट्र ने ये मनसूबा अमल में लाया। तो अगर आपको कभी मौका मिले महाबलेश्वर जाने का तो प्लीज़ भेलार गांव भी जो है विज़िट ज़रूर करिएगा, और अगर आप विज़िट कर चुके तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझा होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।